सुप्रभात विद्यार्थियों, संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। कल हमने वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ी थी, तो इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की संधि पढ़ेंगे। देखिए, गुण संधि हमने पढ़ी थी। गुण संधि में ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई ऊ री ली आए तो पूर और पर के स्थान पर एक आदेश हो गया था। अब एक आदेश क्या हुआ था? यदि ए या आ के बाद ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया था ए। इसके बाद हमने देखा था ए या आ के बाद में ऊ आ जाए तो पूर और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया था ओ, और ए या आ के बाद में री आ जाए तो पूर और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश री हो जाता है, और ए या आ के बाद में री आ जाए तो पूर और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश अल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था गुण संधि में, ए या आ के बाद ई ऊ री ली आए तो पूर और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, ए ओ अर और अल। इसके बाद हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए तो पूर और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। अब वृद्धि आदेश क्या होता है? देखिए, ए या आ के बाद में ए आ गया या आई आ गया तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश क्या हो जाता है? आई हो जाता है। और ए या आ के बाद में ओ आ जाए या औ आ जाए तो पूर और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा औ। ये हमने पढ़ा था वृद्धि संधि में, ए या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो पूर और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार हमने चार संधि पढ़ ली थी, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब हम आगे पढ़ेंगे अयादि संधि। देखिए विद्यार्थियों, अयादि संधि हम पढ़ेंगे ए आई ओ औ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आई हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए, ए आई ओ औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर आई हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब देखिए, ए आई ओ औ अयादि संधि में पहले आ रहे हैं, बाद में कोई स्वर आ रहा है। ए आई ओ औ वृद्धि संधि में आए थे, बाद में। देखिए, वृद्धि में अयादि में फर्क देखिए, ए आई ओ औ अयादि संधि में पहले आ रहे हैं, वृद्धि संधि में बाद में आ रहे हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था यण और गुण संधि में, ई ऊ रील री यण संधि में पहले आ रहे थे और ई ऊ रील री गुण संधि में बाद में आ रहे थे। वैसे हम यहां देख रहे हैं कि ए आई ओ औ अयादि में पहले आ गए और वृद्धि संधि में बाद में आ गए। अब यहां विशेष आपको क्या ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल इनके स्थान पर ही होगा। जो परिवर्तन हो रहा है वो ए आई ओ औ के स्थान पर ही होगा। अब यहां जो बाद में स्वर आएगा उसके स्थान पर परिवर्तन है नहीं होगा। देखिए, यदि पहले ए आ गया और बाद में कोई स्वर आ गया तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। आई आ गया, उसके बाद में कोई स्वर आ गया तो आई के स्थान पर क्या कर देंगे हम?
आई कर देंगे। ओ आ गया प्लस स्वर आ गया तो केवल ओ के स्थान पर क्या करना है, औ करना है। औ आ गया प्लस कोई स्वर आ गया तो केवल ओ के स्थान पर हमें क्या करना है, आओ करना है। आए आए आओ आओ। संधि विच्छेद में आपको इनको ध्यान रखना है, ए आई ओ औ प्लस स्वर, ये ध्यान रखना है आपको संधि विच्छेद की पहचान के लिए। समस्त पद की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है आए आए औ आओ, इनका उच्चारण आएगा समस्त पद में। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ने प्लस अनम, देखते हैं वर्णों को अलग करके ये नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है। ने को अलग किया, ए निकल गया, आगे लिखा हुआ है अनम। देखिए पूर्व में ए आ गया, पूर्व में ए आ गया, इसके बाद में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ गया, नियम लग रहा है यहां पर। तो केवल इस ए के स्थान पर हमें परिवर्तन करना है, ए प्लस कोई स्वर आ गया, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस ए के स्थान पर हम कर देंगे आई, ठीक है। अब वर्णों को मिला देते, पिछली संधि मैंने बताया था कि हलंत वर्ण के आगे यदि कोई स्वर होता है तो वो दोनों मिल जाते हैं। तो देखिए नए हलंत वर्ण है, इसके आगे स्वर आ रहे हैं, ए मिल सकता है, तो ये बन जाएगा पूरा ने। यह हलंत है, इसके आगे भी स्वर आ रहे हैं, तो यह प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और आगे क्या बचा हुआ है, ने और ने। तो ये क्या बन गया आपका, नई नंबर बन गया, क्या बन गया, नई नंबर। देखिए दोबारा, ने को हलंत किया, ए निकाला, आगे अनम, ए प्लस स्वर, ए प्लस कोई स्वर, केवल ए के स्थान पर आई कर दिया, ठीक है। ने हलंत है, एम ए मिल गया, पूरा ने बन गया। यह हलंत है, इस एम ए मिल गया, पूरा ये बन गया, और आगे क्या बचा हुआ है, नए और नए, तो ये क्या बन गया, नई बन। और लेते हैं एग्जाम्पल, गई प्लस अगह, गह को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, आई निकलेगा, तो ये आ गया यहां पर आई, और आगे है अगह। देखिए आई प्लस स्वर, आई प्लस स्वर, आई प्लस स्वर, आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस आई के स्थान पर हमें आई करना है, आई के स्थान पर क्या करना है, आई करना है। गय गलत किया, आई निकल गया, प्लस अगह है, आई के स्थान पर आई। अब वर्णों को हमें मिलाना है, गय हलन, गय को मिलाओ आमे, क्या बन जाएगा, गा। यह हलंत है, इसके आगे भी स्वर आ रहा है, यह हलंत है, इसके आगे भी स्वर आ रहे हैं, तो यह प्लस एम के क्या बन जाएगा, पूरा ये बन जाएगा, और आगे क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, तो ये बन गया गाय। गय ने आ मिलाया, गा बन गया, यह ने ए मिलाया, यह बन गया, और आगे बचा हुआ है के, तो ये आपका बन गया गाय। अब लेते हैं एग्जाम्पल कोका, को प्लस अनम, को प्लस अनम, टै को हलन करेंगे, टै को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ, और आगे लिखा हुआ है हलन किया, ओ निकल गया, प्लस आगे लिखा हुआ है अनम। अब देखते हैं नियम, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए, ओ प्लस स्वर, तो ओ के स्थान पर क्या हो रहा है, अव हो रहा है, केवल इस ओ के स्थान पर करेंगे अव।
ओके इस बात को क्या कर दिया आओ, और इधर बचाओ है पे और आगे है आना। अब देखिए केवल हमें वर्णों को मिलाना है, पे हलन है और आगे लिखा हुआ है ए, दोनों मिल सकते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा पे बन जाएगा, वे को मिलाएंगे इस एम ए तो क्या बन जाएगा वे, और आगे क्या बचा हुआ है ने और ने। तो ये क्या बन गया पवन। देखिए पे हलन किया ओ निकाला प्लस अनम, अब ओ प्लस स्वर, ओ प्लस स्वर तो ओ के स्थान पर क्या कर दिया आउ कर दिया और आगे अनम एज अभी नोट किया है। अब पे को मिलाएंगे एम ए पूरा पे बन गया, वे मिलेगा एम ए पूरा वे बन गया और आगे ने और मैं लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया पवन। औ का एग्जाम्पल लेते हैं पऊ प्लस अकह, पऊ प्लस अकह पै को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा औ प्लस अकह, औ प्लस स्वर, औ प्लस स्वर तो औ के स्थान पर क्या कर देंगे आव कर देंगे, औ के स्थान पर क्या कर देंगे आव कर देंगे। देखिए पे हलन औ निकला, औ के बाद में अकह आगे लिखा हुआ है, औ के स्थान पर क्या कर देंगे आव कर देंगे, औ के स्थान पर क्या होगा आव हो जाएगा। अब आव करने के बाद में हमें वर्णों को मिलाना है, तो देखिए पे हलन है और आगे स्वर क्या है आ है तो पे और आ मिलकर क्या बन जाएगा पा बन जाएगा, वे हलन है आगे है ए तो वे हलन आगे स्वर तो क्या बन जाएगा वे, और आगे क्या बन जावे के तो ये बन गया पाव है। एक एग्जाम्पल आ गया हमारे पास आई का भी आ गया ओ का भी आ गया और औ का भी आ गया। देखिए ये तो आपने देखा है संधि विच्छेद से समस्त पद बनाना, अब आपके पास में समस्त पद आ जाए तो उसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल लेते हैं देखिए विद्यार्थियों आपके पास लिखा आ गया भावुक है, आपके पास लिखा आ गया भावुक है तो यहां हमें देखना है आए आए आओ और आओ इसमें से किसका उच्चारण आ रहा है, आए आए आओ और आओ इसमें से यहां किसका उच्चारण आ रहा है। देखिए भाव गए भाव आव का उच्चारण आ रहा है यहां, तो आव का उच्चारण आने का मतलब है कि यहां पूर्व में तो क्या आना चाहिए औ आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए स्वर आना चाहिए, तो जैसे औ करने के लिए इसको कर दिया भव, औ करने के लिए इसको कर दिया भव, अब यहां आव बना है यहां आव बन रहा है तो आव वे यहां बन रहे हैं वू, इसका मतलब इसमें ऊ तो मिला हुआ है तो ऊ हम यहां बाहर निकालेंगे और आगे के भाव प्लस उतर है हमें चेक करना है तो वर्णों को हम अलग करेंगे वे औ प्लस उतर, अब चेक करते हैं औ प्लस स्वर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा आव, इधर बचा हुआ है भय और इधर बचा हुआ है उकर, देखिए आधा वर्णन है आगे वाले आ में मिलेगा तो क्या बन जाएगा भाव बन जाएगा, वह हलंत है और आगे स्वर है वह प्लस टू वो बन जाएगा और आगे क्या बचा हुआ है कहे तो ये क्या बन गया भाव उकर, तो इसका मतलब हमारा संधि विच्छेद सही है। तो विद्यार्थियों ये आपके लिए अयादि संधि तो स्वर संधि आपकी कंप्लीट है, इसमें हमने पढ़ी है दीर्घ संधि यण संधि गुण संधि
वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो जितनी संधियां आपने पढ़ी हैं इनका आपको रिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।